अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरुसा हमीद और आज की जो वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो जो मैं आज मैं आपके साथ रिव्यू करूँगी रिवाज की प्रोडक्ट्स का जो मैंने ऑर्डर की है। मुझे आज ही रिसीव हुई थी तो मैंने कहा चलो खोलने से पहले आप लोगों के साथ रिव्यू करूँगा। अभी मैंने सिर्फ इसकी यहाँ से पैकेजिंग खोली और निकाला भी, ये बच्चों ने खोल दिया था। मैंने कहा कि इसको अभी बंद रहने दो, आपके सामने से खोलूँगी, अनबॉक्स करूँगी और आपका रिव्यू। ये मुझे कॉल कुरियर से रिसीव हुआ है। ईद से पहले मैंने ऑर्डर किया था तो आज ईद का तीसरा दिन है तो मुझे आज रिसीव हुआ है। तो इसको जो खोलती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है और ये कुछ प्रोडक्ट्स है, साथ ही इनका बिल है। इस तरह की पैकिंग में प्रोडक्ट्स आई है, बहुत अच्छी पैकिंग है। तो मैं अब इसको काटती हूँ, इतनी इन्होंने पैकिंग की हुई है ना। अच्छा, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई है वो ये रिवाज का मैंने मेकअप रिमूविंग वाइप्स मंगाया है। मेकअप रिमूविंग वाइप्स मंगाया है, ये मंगाया मैंने पिंक में। ये 25 शीट्स के अंदर होती है और ये है अल्कोहल फ्री। ये वाइप्स मंगाए मैंने और साथ मैंने एक इनकी ये वाले वाइप्स मंगाए हैं। ये चारकोल मेकअप रिमूवर वाइप्स, दोनों में 25 शीट्स हैं। मैंने दोनों पैकेट मंगवा लिए थे, इजी हो जाता है मेकअप रिमूव करना इनके साथ। उसके बाद मैंने ये रिवाज का फिक्सर मंगवाया था। ऑलरेडी मेरे पास ये फिक्सर था, ये जो थोड़ा सा रह गया था, ख़त्म हो गया था बिल्कुल भी एंड। 100 ml इसके अंदर प्रोडक्ट है तो अच्छा फिक्सर है ये वाला, काफ़ी अच्छा है तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने फिर दोबारा मंगवाया ये वाला और एक मैंने ये बड़ी पैकिंग मंगवाया। ये दो मैंने फिक्सर मंगवाया, ठीक है। मैं इसमें से ये तो मैंने ओपन किया है, ये ओपन भी दिखाते हैं। इस तरह की पैकिंग है सर। इस तरह की ये बड़ी बॉटल है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। तो सेटिंग स्प्रे है इसको, अच्छा है, मतलब कि कम प्राइस में और बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है। इसकी स्मेल कोई दवाई दवाई की तरह स्मेल है, इसकी दवाई टाइप स्मेल है लेकिन बाद में उड़ जाती है। तो ये 180 ml की बॉटल है और दूसरी मैंने मंगाई थी 100 ml की। ये हो गया। फिर मैंने मंगाई थी एक ये पेंसिल, इनकी पेंसिल्स बहुत अच्छी होती है, इनकी मतलब कि वाटर प्रूफ होती है और बहुत अच्छी होती है, लिपस्टिक की तौर पर यूज़ कर सकते हैं। 029 कलर मैंने मंगवाया था, ये है, इसको मैं आपको स्वाइप करती हूँ। बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा ब्राउन टाइप कलर, प्यारा सा कलर है, ठीक है। इसको लिपस्टिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। 029 इसका शेड है। उसके बाद मैंने मंगवाया था ये लाइनर, नहीं आया क्यों नहीं फोकस कर रहा। ये लाइनर भी बहुत अच्छा है, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी तो मैंने एक और मंगवा लिया था। मेरे सामान आ ही रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक मिनट। अच्छा, ये लाइनर मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, यही वाला ही मैंने न्यू मंगवाया है तो इसका भी मैं स्वेच दिखा देती हूँ आपको।
जेट ब्लैक और मैट लाइनर है, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैट हो जाता है। तो ये मैंने मंगवाया था, एक और मंगवाया। उसके बाद ये मैंने एक मंगवाया है माउथ फ्रेशनर, ये मुझे नज़र आया था, मैंने मंगवा लिया है अभी। फोकस कर ले। अच्छा, ये मैंने माउथ फ्रेशनर मंगवाया था, यहाँ से सील पैक था, यहाँ पर इसकी सील लगी हुई थी, तो मैं करके देखती हूँ। सही है, अच्छा अच्छी है, अच्छा है। और एक्सपायरी भी इनके ऊपर मेंशन है 2022। अच्छा, मैंने एक पैकेट खाली कर लिया है, अब ये दूसरा पैकेट है, मैं ओपन करती हूँ तो मैं भी वीडियो फिर कर। अच्छा, तो दूसरा जो ये पैकेट था उसमें इस तरह मैंने ऊपर से खोल लिया था, अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा पैकिंग में था, अंदर से मैंने मंगवाई थी ये पैलेट। ये है रिवाज यूके की पैलेट, ये मैंने देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई, मेरे पास इस तरह के कलर्स नहीं थे, तो ये देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं। मेरे पास ये पैलेट थी नहीं, मतलब कि इस तरह के कलर्स मेरे पास नहीं थे, और मुझे बहुत था कि कोई सस्ती सी पैलेट मिले, तो मैं ये मंगाऊँ। आई थिंक 1000 की पैलेट है, तो लेकिन इसके कलर्स बहुत प्यारे लगे, मैंने इसके रिव्यूज़ भी सुने थे, तो मैं इसके स्वैच आपके सामने थोड़े से करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर ऐसी शीट थी, तो मैं सबसे पहले स्वैच करती हूँ ये पिंक का हल्का स्वैच। ये स्वैच करते हैं येलो का, बस हल्के से मेरे फिंगर में हल्का है। इसके बाद अब स्वैच करते हैं किसका करूँ, मैं शिमर, इसमें ये शिमर शेड भी है और इसमें मेटैलिक भी है और साथ मिरर भी। अब मैं एक स्वैच करती हूँ इसमें जो शिमर उसको करती हूँ, प्यारा है, वाओ कितना प्यारा शेड है। एक थोड़ा सा लाइट है लेकिन यहाँ नजर आ रहा है, वहां पता नहीं नजर आ रहा है नहीं। अच्छा, इसका डार्क एक शेड करती हूँ, डार्क शेड तो प्यारे शेड है। अब इस पर मैं एक इस पैलेट पे आई मेकअप करूँगी, तो उसकी मैं अपलोड करूँगी वीडियो, लेकिन अभी मुझे इसकी जो पिगमेंट्स है वो बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब कि अच्छे हैं, प्यारे शिमर शेड है, कितना प्यारा है। तो 32 कलर्स है इसके अंदर, और इसके पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, बार कोड भी दिया हुआ है, ओरिजिनल है। और बस तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, वो मैं अपलोड करूंगी। बाकी ये मेरी लास्ट आइटम थी जो मैंने मंगवाई थी, ये सब चीज़ें मैंने, अब मैं ज़रा इसके साथ एक वाइप्स के साथ मैं ना ये आपको रिमूव दिखा देती हूँ, क्योंकि तो वाइप्स का भी रिव्यू देगा। इसको यहाँ से ऐसे ओपन करके एक वाइप में निकाल लें, अच्छी है। अच्छा, अब मैं पहले मैं एक स्वैच में करके दिखाती हूँ, वाओ एक स्वैच में सारा रिमूव, ये देखो कितना प्यारा है। अच्छा, अब मैं इसको करती हूँ, वाटरप्रूफ है ना, अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मतलब कि ये वाटर प्रूफ था, इसको मैंने रिमूव। अच्छा, मैं कुछ और भी इसके साथ रिमूव ही देखती हूँ, इसके साथ मैं रिमूव करती हूँ, क्या रिमूव करूँ, ये करती हूँ
करती हूँ, रेड लिपस्टिक, ठीक है, इसको करती हूँ, इसको रिमूव करती हूँ, ड्राई कर दूँ। बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी मुझे प्रोडक्ट ये वाली लगी, इनके वाइप्स बहुत 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 अच्छे। मैंने पहले भी यूज़ किए थे, मैंने पहले ब्लैक वाला यूज़ किया था, तो मैंने अभी पिंक वाला मंगवाया, ब्लैक भी मंगवाया है, बहुत अच्छे है। फिक्सर इनका बहुत अच्छा है, मतलब ये जो चीज़ें मैंने मंगवाई है ना, ये बहुत अच्छी है। पैलेट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, अब इसको मैं यूज़ करूँगी, इसकी ब्लेंडिंग वगैरह कैसी है। बाकी वाइप्स तो कमाल, 10 out of 10 नंबर है वाइप्स के, बहुत अच्छे। मतलब कि मेकअप करो फिर जाओ फिर रात को मुंह धो तो बड़ा मुश्किल काम, इसे रिमूव करो, मुंह धोना तो धो, नहीं धोना तो ना धो, मेरी तरह इजी है, पर्स मेरे को कहीं भी ले जाओ। तो ये था मेरा रिव्यू आज रिवाज प्रोडक्ट्स का, कैसा लगा आपको? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ज़रूर ज़रूर। अगर आपने पेज को लाइक नहीं किया, सॉरी चैनल को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के साथ, किसी और चीज़ का रिव्यू या कोई ब्लॉग वगैरह। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।